तो मयूर जी सब बढ़िया होंगे। सो आज कुछ भगाएंगे नहीं, कुछ टॉपिक के बारे में बात करना है, बहुत इमरजेंसी टॉपिक है। बोले तो अपना दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था तो उसी के बारे में बात करना है। तो आज कोई भगाएगा नहीं, नॉर्मली जाएगा सब। तो मिलते हैं राइडिंग सेटअप पे। सब कोई कृपया करके हेलमेट हेलमेट कैरी करके चले। मतलब अगला वीडियो में आप लोग देख चुके होंगे कि कृष्णा थोड़ा ज़्यादा स्पीड में नहीं था, नॉर्मली जा रहा था, फिर भी ठीक ठाक ही था स्पीड। मतलब सामने एक बस था, बस मतलब क्या है बताएं, अचानक वो ब्रेक मार दिया और डायरेक्ट लग गया बस में। ऐसा लगा कि मतलब अनबैलेंस होके राइट साइड गिर गया, और राइट साइड गिरा, राइट साइड से LP आ रहा था, बोले तो बड़ा गाड़ी वाला ट्रक आ रहा था, तो बड़ा गाड़ी में डायरेक्ट चक्का में लग गया, चक्का में लगा। हेलमेट इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हेलमेट जैसे ही लगा, हेलमेट छिटक के बाहर आ गया। एग्जोर का हेलमेट पहना हुआ था, सस्ता हेलमेट भी ना कैरी करें थोड़ा भाई, रोड वोड में जा रहे तो थोड़ा भाई हेलमेट ज़रूरी है। एकदम हेलमेट पहना हुआ था, एकदम इप पट्टी फेंक दिया, राइट साइड फेंक दिया। वो जगह भी आप लोगों को दिखा देते हैं आज। हाँ, जितना भी पैसा लगे भाई, हम बोलेंगे बेहतरीन, मतलब बढ़िया से बढ़िया हेलमेट लो। एक्सीडेंट हुआ था आपका ये थोड़ा आगे, यहाँ पर भी एक एक्सीडेंट हो गया था, और उससे कुछ पहले एक्सीडेंट हुआ आपका यहाँ पर, ये साइड में दुकान के पास, ये ब्लू कलर का जो दुकान बंद है ना, वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ भाई। इतना मतलब बच गया ना, नसीब इतना बढ़िया था कि चक्का का नीचे आके बाहर निकल गया, हेलमेट से एकदम झटका लग के बाहर निकल गया भाई। हम इसीलिए बोलेंगे भाई, हम रिक्वेस्ट करेंगे, सबको रिक्वेस्ट करेंगे, कृपया करके भाई हाई पिकअप रहे या लो पिकअप रहे या कितना मैंने जैसा ही बाइक रहे, हम बोलेंगे भाई आप लोग कृपया करके एकदम नॉर्मली चले, और सेफ्टी सबसे फास्ट, सेफ्टी ज़रूरी है एकदम। मतलब देख के ना रूह कांप गया, इतना भयानक चीज़ देख ली है। और गाइस, मेरा बाइक मतलब रिसेंटली इसका ECU जो होता है मेरा NS200 का, हर बाइक का ही होता है ECU, तो उसका इसका ECU चेंज करके देखे 151 अभी लिमिटर आ रहा, 151 में, मतलब 149 में लिमिटर आता था, अभी 151 में लिमिटर आ रहा, क्या ही बताएं, मज़ा आ गया, भगा के मज़ा आ गया बाइक भाई। आज तो सिर्फ नॉर्मली जाएंगे, तो हर वीडियो में तबाही वाला वीडियो नहीं हो सका, हम सोचे ये वीडियो भी तबाही वाला देंगे, तो अगला वीडियो हम देखे, मतलब जो अगला ब्लॉग बनाए थे उसमें देख के मेरा रूह कांप गया एकदम, मतलब एकदम सामने ही देखे ना, फ्रंट में एकदम, तो थोड़ा देख के थोड़ा तकलीफ़ हुआ, और वो भी अपना बंदा रहेगा तो थोड़ा तकलीफ होगा। गलती इसका भी नहीं था, गलती बस वाला का था। आप सोचेंगे कि हम बोल रहे हैं इसीलिए या अपना बंदा है इसीलिए, नहीं भाई, रीज़न एक है कि वो लोग बिना देखे अपना कस्टमर, मतलब बोले तो पैसेंजर को, अगर सामने पैसेंजर रहेगा, अगर हाथ मार दिया पैसेंजर वाला, तो भाई ये बस वाला इतना हेवी ब्रेक मारेगा ना, पीछे देखेगा कि नहीं कि गाड़ी है कि नहीं है, एकदम दबा के ब्रेक मारेगा। आज जैसे ब्रेक मारा, अरे सोचा निकल जाएंगे, लेकिन निकल नहीं पाया, क्या ही बताएं, बस उसका पीछे लग गया। आज जैसे ही लगा, बस वाला देखा कि इसको लग गया है, बस वाला संगे संग एकदम गायब, संगे संग गायब, इतना स्पीड में जा रहा था, कोई उपाय नहीं था। और वो जगह बोलता है, हर कोई सुना है, सुनने में आया, मतलब हर किसी का एक्सीडेंट होता है, लेकिन इसका मतलब वहाँ पर जितना ही एक्सीडेंट हुआ है स्पॉट डेट, बट आदमी लोग बोल रहा कि लड़का बच कैसे गया, मतलब चक्का के नीचे आ गया था, इतना भयानक वाला एक्सीडेंट हुआ है भाई। गर्मी भी हेवी लग रहा है, एकदम कड़क वाला गर्मी लग रहा है, क्या कर रहा भाई, हेलमेट वगैरह पहना नहीं है और ऐसे चला रहा। हम तो बोलेंगे भाई पहले हेलमेट कैरी करो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, पहले सबसे फर्स्ट सेफ्टी भाई, हम बार बार बोलना चाहते हैं, सबसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, हेलमेट भाई ज़रूरी है, हेलमेट को चक्कर ना बच गया। देखो करण को देखो, उसका गाड़ी बंद कर दे रहा नहीं बे। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं फिलहाल आसनसोल, बोले काली पहाड़ी जो ओवर ब्रिज है, ये बंद था कुछ दिन पहले, मैं कुछ महीना पहले बंद था, तो अभी रिसेंटली चालू हुआ है। अभी वो जो देख रहे हैं, वो जो व्हाइट कलर का जो नया बैनर बनाया जा रहा है, वहाँ पर
उस साइड पड़ता है आपका आसनसोल, बोले तो नीचे से जाना पड़ेगा, उस साइड आसनसोल पड़ेगा और वहाँ पर आपका बैनर वगैरह बना रहा, तो यहाँ पर कुछ नया कुछ लिखने मतलब कुछ लिखने के लिए बना रहा और कुछ नहीं। तो अभी हम लोग ओवर ब्रिज पार करेंगे, ओवर ब्रिज के बाद डायरेक्ट आएगा अभी काली घाघरबूढ़ी, घाघरबूढ़ी से कल्ला, कल्ला से घर, सीधा निकल जाएंगे। हम लोग को ऐसे राइड करने में मज़ा नहीं आता है, नॉर्मल राइड करने में मज़ा नहीं आता, बट भाई क्या करें, सिचुएशन के हिसाब से चलना ही पड़ता है, हम लोग को कोई उपाय नहीं है। अभी ये बंदा हम लोग को ओवरटेक कर रहा है, मतलब जैसा कंडीशन रहना है वैसे चलना ही पड़ता है, एनी टाइम हूँ यहाँ करके नहीं जाना पड़ेगा, मतलब दिन ख़राब रहे तो कुछ भी हो सकता है भाई, नॉर्मल भी जाओ तो भी दिक्कत है और फॉर्म में जाओगे तो भी दिक्कत है, ऐसा बात है कि नहीं, लेकिन तो अपना हिसाब से अपना सेफ्टी लेके ही चलना पड़ेगा सबसे बढ़िया। और हम तो बोलेंगे भाई हर कोई हेलमेट कैरी करके चलो, कब क्या हो सके कोई ठीक ठिकाना है नहीं, तो सेफ्टी तो ज़रूरी है। अभी हम लोग घाघरबूढ़ी मंदिर के पास आ चुके हैं, वो राइट साइड है घाघरबूढ़ी मंदिर, वो साइड में जो भी माँ घाघरबूढ़ी। सो गाइस यहाँ भी ख़तरनाक वाला चेकिंग चलता है, अभी हम लोग आ गए हैं कल्ला मोड़ के पास, तो यहाँ भी एकदम बवाल वाला ही चेकिंग चलता है, ट्रैफिक अभी तक खुला नहीं है, सिग्नल खुल गया, सिग्नल खुल गया भाई, सिग्नल एकदम खुल गया। सिग्नल खुल चुका है भाई, मतलब भगाने का मन नहीं कर रहा, इतना मतलब ख़राब लग रहा ना, भगाए का मन नहीं कर रहा, इच्छा शक्ति ख़त्म हो जा रहा भाई। फिर भी करण साला पगला ही है, देख रहा भाई वो भगाई भी करेगा है पगलेट, और एक जन भगाएगा तो हम लोग मतलब फॉर्म में आ जाते हैं। और हम कृष्णा मतलब पिलियन जा रहे हैं हम दोनों, और ये अभी आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज का सामने आ चुके हैं, अभी थोड़ा दूर है, ये ओवर ब्रिज है, यहाँ पर भी एक टर्निंग है तगड़ा वाला, तो हम लीन मारने वाला जगह है, अगर स्पीड में रहेंगे तभी इसको मतलब लीन मार पाएंगे तगड़ा वाला सड़क वाला एकदम। राइड करने में थोड़ा अलग सा फील आ रहा है नॉर्मल राइड पे, नॉर्मल राइड उतना जल्दी करते नहीं ना है, अगर नॉर्मल राइड करते हैं तो थोड़ा टूर पे ही जाते हैं, लॉन्ग टूर पे ही जाते हैं तो ठीक लगता है, इतना नॉर्मल राइड भाई कभी कभी करना पड़ेगा लगता है बीच बीच में, तभी थोड़ा ठीक लगेगा। आसनसोल 1 किलोमीटर, दुमका 88 किलोमीटर। सो गाइस अभी हम लोग जुगली क्या बोलता है, जुगली पेट्रोल पंप के पास आ चुके हैं, ये जुगली ओवर ब्रिज है और यहीं पर आपका आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज पड़ता है, और हाँ आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज ये साइड से आसनसोल जा सकिएगा, मैं जाता ये रास्ता नीचे से, और उधर से डायरेक्ट सेंट्रम वगैरह मॉल वगैरह जितना है इस साइड से आराम से पहुँच जाइएगा, और ये रहा जुगली ब्रिज ओवर ब्रिज, अब सीधा जाएंगे थोड़ा एथोड़ा के पास रुकेंगे, वहीं से सब अपना अपना घर जाएगा। सो गाइस अब यहाँ से थोड़ा लेफ्ट लेंगे और नीचे होके सीधा निकल जाएंगे हम लोग, सामने ही है हम लोग का स्टॉपेज, चलो रे लोग क्या करने रुका भाई, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद एक ही है भाई, अपना आँख से देखें भयानक वाला सीन, अपना दोस्त का ही है, मतलब इतना गलत सीन था ना, मतलब कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, चक्का में लगा भाई हेलमेट, माथा अगर हेलमेट नहीं रहता ना तो डायरेक्ट भाई कहने हिट था एकदम, कहने पूरा क्लियरली हिट था एकदम, चक्का में लगा मस्त एकदम, चक्का से लग के एकदम बाहर आ गया, ऐसा नहीं कि वहीं रह गया, बाहर आ गया हेलमेट की वजह से, बाहर आ गया हेलमेट रगड़ा गया थोड़ा, तो उसका कोई ये नहीं है, बाकी सब ठीक है। तो हम मेरा बार बार बोलने का मकसद देखिए भाई, हेलमेट कैरी करो कहीं भी जाओ भाई, हेलमेट कैरी करो और सेफ्टी फर्स्ट, जितना हो सके सेफ्टी ले लो, कोई कुछ भी बोले उससे कोई मतलब नहीं है, अपना सेफ्टी अपना पास। तुम
भाई अब यहाँ रुकेंगे, यहाँ से अपना अपना घर जाएगा। उमेश आएगा, उमेश अभी इसको लेके जाएगा। तो अभी यहाँ रुकते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। और भाई अगर आप लोग खुद का सेफ्टी पहन के चलोगे तो अपना ही बढ़िया रहेगा, किसी और का बढ़िया नहीं करोगे। खुद का सेफ्टी खुद का पास, तो इसीलिए हम लोग गाइड कर रहे हैं। मतलब गाइड क्या करेंगे, बता देते हैं कि हम लोग के साथ जो हुआ किसी और का साथ ना हो। तो यही वजह से हम लोग चाहते हैं कि भाई अपना सेफ्टी अपना पास, हेलमेट कैरी करके चलो। अगर वीडियो अगर हाँ जितना कैपेसिटी हो उतना गाड़ी भगाओ, उससे ज़्यादा मत भगाओ। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट दमदार वीडियो के साथ। ये रहा वो बंदा जिसे हम जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, ये हेलमेट के वजह से बच गया।